अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदर 47तम राज्य अधिवेशन। अनुगुल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे आज आरंभ होइछि अधिवेशन। ध्वजारोहण पर आनुष्ठानिक भाव यार उद्घाटन होता। एगद राज्यर समस्त जिलूर आसी प्रतिनिधि। तेरे कार्यक्रम मुख्य अतिथि थे परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज। समयानुवर्ती आगक बढ़ाक से कर्मी को आह्वान देते। राष्ट्रीय शिक्षानी को राज्य सरकार क्रियान्वयन करने को आह्वान देते एबीवीपी राष्ट्रीय साधारण संपादक। ओडिशा को आत्मनिर्भरशील होवार आवश्यकता थिबा से कहते। इस वर्ष भारतीय शिक्षा के अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का वर्ष है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त शिक्षा के बारे में पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के संपूर्ण लोगों के विकास का एक बहुत बड़ी मजबूत धरातल लेकर के उपस्थित हुआ है। इसलिए मैं तो निवेदन करूँगा उड़ीसा की सरकार को कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रांत के अंदर में क्रियान्वित करें और राज्यों के अंदर में जो एक खास करके आत्मनिर्भरता की बात पूरे देश भर के अंदर में हो रहा है, उड़ीसा को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यह कार्यक्रम आयोजित प्रदर्शनी को विधिवत भाव उद्घाटन करते विकास फाउंडेशन अध्यक्षा मृदुला ठाकुर प्रधान। यहाँ अधिवेशन में राज्य प्रस्ताव और शिक्षा प्रस्ताव पारित होता। परिवेश सुरक्षा और नारी सुरक्षा उपरे आलोचना करते पदाधिकारी। तेरे आज अधिवेशन में एबीवीपी नवनिर्वाचित सभापति गार्गी बनर्जी और संपादक अजित पट्टनायक नाम घोषणा कर ऐतिह परंपरा या को पाथेय करी शिक्षा चरित्र एकता ये तीनोटी जिनस को दृष्टि रखी आम सुसंस्कृत सुशिक्षित सेवापरायण समृद्ध व्यक्तित्व निर्माण करिबा एवं धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सुस्थ राष्ट्र को आम गठन करिबा एवं भारत को वसुधैव कुटुंबक यही बाद द्वारा दिन विश्व सारा भारत विश्वगुरु ही ठिया हेब य मंत्र को आम दीक्षा रूपे ग्रहण करने आज सभा समस्त छात्र शक्ति को यह गोटे आह्वान दिगला। आज आम मानते अध्यात्म जो प्रभावटा जो भल प्रभावटा से हजी जाए आजिकल युवा भितर तो आज आम स्वामीजी आसते से आमको यह जिनस कहले कि एमती नुहे कि अध्यात्म को निज भितर नेबा मन को शिथिल करवा मन को ठीक जगार नहीं जावा केमी आम युवा शक्ति भितर प्रेरणा आसीपा केमी से सत् कर्म जापे से विषय अध्यात्म आमको निहाती दरकार एत बिजी लाइफ। एबीवीपी 47तम राज्य अधिवेशन आज आरंभ होता बेले 25 तारीख दिन उद्यापित हो। अनुगुल तपन दास, अर्गस न्यूज।